जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं हितेश जेठा अंकल को। अंकल प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई 1998 में ब्रीफली। उस वक्त मैं बहुत यंग था और तब ऐसा हुआ था, मेरे ब्रदर को कैंसर हुआ था। आप लोगों ने खैर आई एम श्योर सुना ही होगा, पापा हर बार सुनाते हैं, तो मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं सुनाऊंगा। मैं दूसरे एस्पेक्ट्स, दूसरे गुरु जी की तो अनंत कृपा है, इतने इतने सत्संग है गुरु जी के, इतनी कृपा की है उन्होंने, तो मैं दूसरे सत्संग पे फोकस करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा बस। तो हमें गुरु जी के बारे में तब पता चला जब मेरे भाई को कैंसर हुआ। तो तब मम्मी की एक फ्रेंड थी डॉक्टर रूबी, तो उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया। वो खुद बहुत ज्यादा गुरु जी को नहीं मानती थी, उनके जो ब्रदर हैं तूर अंकल पंजाब से, तो उनके बेटे को गुरु जी ने ठीक किया था। उनके जो बेटे थे वो डम्ब एंड डेफ थे, गुरु जी ने उनको ठीक किया था। तो रूबी आंटी को ये पता था, उन्होंने हमें ये बताया कि देखो ऐसे एक है मेरे भतीजे को, उन्होंने ठीक किया है, तो आपको ठीक लगे तो आप चले जाओ, मिलाओ एक बार उनसे, ब्लेसिंग्स ले लो। तो हम तो उम्मीद ढूंढ ही रहे थे, हम तो इतने नाउमीद हो चुके थे हर जगह से, क्योंकि कैंसर जो मेरे भाई को हुआ था वो बहुत ही मैलिग्नेंट कैंसर था, बहुत ही फैलने वाला कैंसर था। और हमने उसकी टिश्यू सैंपल यूएस तक भेज दिए थे, वहां भी उन्होंने कहा था कि कोई चांस नहीं है, आप प्लीज ट्रीटमेंट मत कराओ, आप ट्रीटमेंट कराओगे आप सिर्फ उनकी तकलीफ बढ़ाओगे, आप उसको नहीं बचा सकते, यू लेट हिम गो। दिस इज वॉट दे सेड इन 98, दिस इज वॉट मेडिकल साइंस सेड इन 98। गुरु जी तो शुरू ही वहां होते हैं जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है। तो जब मेडिकल साइंस ने अपने हाथ पांव सब मार लिए, सब कुछ किया, गुरु जी ने देखा हाँ अब टाइम पे आपको परमिशन लेनी पड़ती थी गुरु जी से। तो हमने जिसके भी थ्रू कॉल किया, पता करवाया उनसे, भाई हम ऐसे आना चाहते हैं, गुरु जी को मैसेज गया कि कैसे जेथरा अंकल आंटी हैं वो आना चाहते हैं, तो गुरु जी की अनंत कृपा, उन्होंने मंजूरी दी, उन्होंने कहा हाँ उनको आने दो। तो ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की कि हमें गुरु जी ने अलाउ किया अपने दरबार में आना, अपनी शरण में लिया गुरु जी ने हमें। आई डोंट हैव वर्ड्स, नहीं बुलाते गुरु जी अगर हमें, मना कर देते तो हम तो कहां कहां भटक रहे होते, क्या कर रहे होते आज, आई कांट इवन इमेजिन। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें आने दिया, अपनी शरण में ले लिया, कृपा हुई उनको, शायद तरस आ गया हमारी कंडीशन देखकर, क्या हम उस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहे थे और आने वाले सालों में हमें क्या क्या दुख आने वाले थे, वो शायद देख के गुरु जी को हम पे तरस आया, सो उन्होंने कहा चलो आने दो। कर्म तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई हमने कोई अच्छे कर्म कोई किए थे कि हाँ बड़े कोई जिसके वजह से गुरु जी ने हमें बुलाया होगा। सो खैर गुरु जी के पास हम आए, तो मैं उस वक्त कॉलेज में था मुंबई में, और आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया, गुरु जी के शब्द थे। तब हमें, हमने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, हमने कहा भी ठीक है ये तो जहां भी जाओ बाबा स्वामी किसी के पास भी जाओ सभी आशीर्वाद देते ही हैं कुछ ना कुछ, तो दे दिया गुरु जी ने भी ऐसे, कल्याण कर देता बोल दिया, ठीक है इतना क्या सोचना उसके बारे में। हमें नहीं पता था कि वो तीन शब्द, गुरु जी के कहे हुए तीन शब्द, वो कहना कितना आसान है कल्याण, लेकिन उसका मीनिंग कितना गहरा है, आज तक हम नहीं समझ सके कि क्या कितनी गहराई है उस मीनिंग की, कितना उसका इम्पैक्ट है गुरु जी का सिर्फ उतना बोल देना, कितना उसका इम्पैक्ट है और कितना उसका इम्पैक्ट हुआ हमारी लाइफ पे, कैसे हम सबकी लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो गई, कंप्लीट टर्न आया हमारी लाइफ में बस गुरु जी के शरण में आने के बाद। आई एम श्योर सब ये रियलाइज करते हैं, सबके साथ यही होता है, सबको गुरु जी इसी तरह ब्लेस करते हैं, वो ही प्लेज नो फेवरेट्स, उनके सभी को प्यार करते हैं, सभी गुरु जी के बच्चे हैं। सो हम गुरु जी के पास आना शुरू हुए, मैं भी आया, फिर जब मैं कॉलेज से घर आया तो दो तीन बार चार बार पांच बार मैं भी गुरु जी के पास आया, और मैं यंग था अपनी ही धुन में था उस टाइम पे, और मेरे को नहीं समझ में आया क्या है गुरु जी का कॉन्सेप्ट, मुझे, मैं स्पिरिचुअल था, मैं एक गुरु की तलाश में भी था, पर मैंने कहा भाई ये तो गुरु जी तो सुपर स्पेशलिस्ट है, ये तो चलो बीमारी ठीक कर देते हैं, कोई भी बीमारी हो लाइलाज बीमारी हो गुरु जी ठीक कर देते हैं, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, मैं किस लिए आऊं गुरु जी के पास। सो चार पांच बार आने के बाद मैंने आना बंद कर दिया, ये बात थी 98 99 की। पांच साल का मेरा वो वनवास रहा, पांच साल बाद 2004 में पापा को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया घर पे, उसके बाद जब
आईसीसीयू में थे, इनफैक्ट उससे पहले जब वो चेकअप के लिए गए एम्स में, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपकी कंडीशन इतनी खराब है, हमें आज रात ही आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास करना पड़ेगा, मैं आपको घर भी नहीं जाने दे सकता। उन्होंने कहा भाई नथिंग डूइंग, आज तो मैं कुछ करा ही नहीं सकता क्योंकि मैं परमिशन लेके नहीं आया अपने गुरु से, तो आज तो मैं कुछ नहीं कराने वाला, आप जो मर्जी बोलो आज तो नहीं कराऊंगा मैं, पहले मेरे को अपने गुरु से परमिशन लेनी है, उसके बाद ही मैं आऊंगा, उन्होंने परमिशन दी तो मैं आके बाईपास कराऊंगा। तो वो डॉक्टर ऐसे देख रहे भाई आप ठीक हो, आप मतलब पढ़े लिखे हो, आप कैसे मतलब अनपढ़ लोगों वाली बातें कर रहे हो, आप यहां से घर तक पता नहीं सेफ पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, आपकी हालत इतनी क्रिटिकल है, आप कह रहे हो आप जाओगे परमिशन लेके आओगे, कोई आपके गुरु हैं उनसे पूछोगे, मैं तुम जो सोच रहे हैं सोचो भाई, हमें पता है हमारे गुरु जी क्या है, हमारी लाइफ में तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इतना बड़ा डिसीजन उनसे पूछे बिना ले ले वो तो हो ही नहीं सकता। सो खैर किसी तरह वो रिलक्टेंटली माना, क्या करता, सो उन्होंने जाने दिया। गुरुजी पापा के पापा गुरुजी के पास आए, आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऐसे बोला है, डॉक्टर ने बोला करा ले सर्जरी करा ले, कंजरानू की करना है, जो करना है वो तो मैंने ही करना है, उन्होंने तो काटना चीटना ही है बस। सो बड़ी तसल्ली, मेरे को तो नहीं, मैं तो खैर नहीं मानता था उस टाइम पे गुरुजी को, पर हाँ बाकी परिवार में बाकी सब लोगों के लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात थी, गुरुजी का इतना बोल देना हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात थी। उसके बाद गए एम्स में, गए बाईपास हुआ पापा का, एम्स में जब वो थे एडमिटेड थे अभी सर्जरी से पहले, तो वहां पे उनको एक और मैसिव हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे, उनका हार्ट बीट बंद हो गया, उनकी पल्स जीरो हो गई, बीपी जीरो हो गया, बिल्कुल ही वॉज डिक्लेयर डेड, एम्स ने उनको डिक्लेयर कर दिया डेड। वहां से गुरु जी ने उनको रिवाइव किया, कैसे मतलब यमदूत भी कैसे हाथ लगा सकते थे जब गुरु जी ने बोल रखा था कि हाँ कुछ नहीं होगा तुम जाओ, उनकी भी हिम्मत नहीं थी मेरे को लगता है, हमें दिखे तो खैर कुछ नहीं, पर आई एम श्योर वो आए होंगे बेचारे, खड़े हुए होंगे ले जाने के लिए पापा को, पर क्या करेंगे गुरुजी का ऐसा पहरा था, कुछ कर ही नहीं पाए होंगे, सो वापस चले गए होंगे खाली हाथ। तो पापा काफी दिन उसके बाद बीमार रहे पर ठीक होके घर आ गए, बहुत कृपा गुरुजी की, उन्होंने तकलीफ से निकाला, परेशानी से निकाला। तो जिस टाइम पे पापा अभी बीमार ही चल रहे थे, आईसीसीयू में थे, उस टाइम पे मैंने घर में गुरुजी के आगे मैंने बात की थी गुरुजी के स्वरूप से, कि मैंने कहा देखो गुरुजी मैं तो आपको नहीं मानता पर मेरे घर वाले मम्मी पापा भाई बाकी सब तो मानते ही हैं, तो अगर आपने पापा को ठीक कर दिया तो मैं आपका शुक्राना करने आऊंगा, ये मैंने घर, क्योंकि मेरे को पता था कि हाँ गुरुजी में हैं शक्तियां, तो मैं घर में स्वरूप के आगे गुरुजी से ऐसे मैंने बात की थी, बस इतनी बात हुई मेरी। गुरुजी ने कल्याण कर दिया, पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया, अब जब वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने तो फिर मैं आया गुरुजी के पास अक्टूबर 2004 में, फिर मैं गुरुजी के पास आया, मैंने आके गुरुजी का शुक्राना किया। जब मैं अंदर आया गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है पैंट शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, सर ऐसे थोड़ा सा वो जैसे पालथी मार के सर ऐसे थोड़ा झुका के साइड से ऐसे देख रहे थे, इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी ने दी वो आज तक मैं नहीं भूल सका, वो आज तक वो नजारा मेरे आंखों के सामने बिल्कुल फ्रेश है जैसे गुरुजी ने मेरे को देखा था, और बहुत प्यार से बहुत खुश हुए थे मेरे को देख के, बहुत कृपा उनकी कि मैं इतने साल मतलब अपने अहंकार में जीता रहा, लेकिन फिर भी जब मैं आया उनके पास तो मेरे को इतने प्यार से उन्होंने वेलकम किया, बहुत प्यार से, नहीं तो मैं शायद फिर मैं बस वो सब शुक्राना करके शायद मैं लौट जाता और दोबारा ना आता, पर वो भी शायद गुरुजी समझते थे बात, इसीलिए शायद उन्होंने मेरे को इतने प्यार से वेलकम किया कि मैं कंफर्टेबल हुआ। मैं उस दिन के बाद से फिर मैंने आना स्टार्ट किया, बस गुरुजी की ये कृपा हुई, वहां से मेरी गुरुजी की जर्नी, गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वहां से मेरी स्टार्ट हुई। उसके बाद ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, फिर मैं उस टाइम पे बिजनेस में था, तो एक बार बड़े मंदिर में सेवा हो रही थी, इनफैक्ट उससे पहले का एक दूसरा सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक बार मैं गुरुजी के दरबार में आया हुआ था और मैं देख रहा था सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहा था, गुरुजी के होते थे उनसे बात करते थे, वो गुरुजी भी कुछ बोलते थे, वो हंसते थे, गुरुजी हंसते थे, बड़ी देख के अच्छा भी लगता था और जेलसी भी होती थी। मैंने कहा हाय गुरुजी मेरी कब ऐसी किस्मत होगी, दूर बैठ के बस मन में ये बात चलती थी, मैंने कहा गुरुजी मेरी कब किस्मत होगी ऐसे करूंगा, मैं तो बिल्कुल लायक ही नहीं हूँ, आपकी सेवा मुझे तो 10 जन्मों में ना मिले, मैं तो बिल्कुल लायक नहीं हूं। तो ये सोच के मायूसी भी बहुत हो रही थी मुझे। तो उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठने का हुक्म होता था गुरुजी को, तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, गुरुजी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे। उसके बाद चाय प्रसाद आया, जब मुझे चाय प्रसाद मिला तो मेरे मन में
अंदर ये सारी कशमकश चल रही थी मेरे अंदर कि ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे को सेवा तो कभी मिल ही नहीं सकती, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता सेवा। तो ये सब मैं सोच रहा था। तो मैंने चाय प्रसाद के ग्लास को बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ लिया और मैं मन में ऐसे गुरुजी से बात कर रहा था कि गुरुजी मुझे बताओ मेरा क्या होगा, मेरे को बताओ गुरुजी मेरा क्या होगा। और चाय प्रसाद के ग्लास को मैंने टाइटली पकड़ लिया, मेरा हाथ जल रहा था जलता जा रहा था और मैं टाइटली उसको पकड़ के बैठा था और मैं कह रहा था गुरुजी नहीं मुझे बताओ मेरा क्या होगा। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद भी कोसी हो गई, मैंने चाय प्रसाद पी ली, फिर लंगर भी हुआ। लंगर के बाद बैठे थे तो एकदम से फिर नॉर्मली आपने देखा है जैसे सब लोग लाइन लगा के बड़े डिसिप्लिन के साथ सब आज्ञा लेते हैं, उस दिन गुरुजी खड़े हो गए अपने सिंहासन से, अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी रूम में जा रहे हैं, सब लोग आज्ञा ले लें। तो हम सबने खड़े होके सबने आज्ञा ली, मेरे को मौका मिला गुरुजी के बिल्कुल आगे आज्ञा लेने का, चारों तरफ से गुरुजी को घेर के सब आज्ञा ले रहे थे क्योंकि डर लग रहा था भाई गुरुजी कमरे में चले गए तो माता नहीं टेक पाएंगे, तो सब आज्ञा एक साथ ले रहे थे। तो मैंने जब गुरुजी के आगे माथा टेका तो हुक्म मानना बहुत जरूरी है गुरुजी का हमेशा हुक्म होता था कि उनकी परमिशन के बिना उन्हें टच नहीं करनी। तो उनको मैंने टच नहीं किया, उनके चरणों के बीच में कारपेट पे मैंने हाथ रख के माथा टेका। जब मैंने ऐसे माथा टेका गुरुजी ने अपना एक चरण, अपना राइट चरण आई थिंक, जुत्ती में से निकाला और मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। मेरा माथा अभी फर्श पे ही लगा हुआ था और ऐसा ये हुआ, मेरा तो एकदम दिमाग घूम गया कि गुरुजी ये क्या हो गया, ना मैं उठ पाया ना मैं सर उठा पाया, मेरे को तो समझ नहीं आया मैं ये हो क्या रहा। कुछ देर तो मेरा सर ही घूम गया, पता नहीं आई डोंट नो कितने सेकेंड्स गुरुजी ने ऐसे चरण रखा मेरे हाथ के ऊपर। उसके बाद अपनी जूती पहनी और अपने कमरे में चले गए। ना मैं गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम, अपनी कश्मकश बता पाया, ना गुरुजी ने मेरे को कोई जवाब दिया, लेकिन बिना बोले गुरुजी मेरे सवाल का मुझे जवाब दे गए। वो सब बता गए कि मैं हूं बेटा, तू चिंता ना कर, आई एम देयर, तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो, आते रहो, ध्यान लगाओ, लंगर करो, सेवा करो, बाकी सब मैं करूंगा। तुम्हारे बस की ना कभी कुछ थी ना है ना कभी होगी, तुम्हें सिर्फ आना है, सब मैंने करना है, मेरे को जो करना है मैं करता रहूंगा, यू डोंट वरी। सो बहुत बहुत मुझे आसरा मिला उससे, बहुत दिलासा मिला। तो ऐसे मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई। फिर उसके बाद फंक्शन की सफाइयां चल रही थी बड़े मंदिर में, गुरुजी एम्पायर स्टेट में रोज बैठते थे और जो फंक्शंस होते थे फिर वो बड़े मंदिर में होना शुरू हो चुके थे। तब तक पहले तो एम्पायर स्टेट में ही होते थे फंक्शन भी, बाद में फिर बड़े मंदिर में शुरू हो गए थे। तो बड़े मंदिर में फंक्शन थी, उसकी सफाइयां चल रही थी, अकस्मात गुरुजी आ गए, आके सबसे मिलते थे, बहुत सफाई पसंद थे गुरुजी को, बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी, एक एक कोना खुद इंस्पेक्ट करते थे, एक एक कोना कहीं जरा सी मिट्टी रह जाए तो डांट पड़ती थी बहुत सेवादारों को। हमें लगता था चलो भाई सब साफ कर दिया, ठीक है ये साइड में है थोड़ा सा चलो चलता है, नहीं गुरुजी आके सीधा वहीं, उनको सब पता होता था, अंधेरे में भी 11 नंबर प्लॉट में जाते थे, उनको सब पता होता था पीछे कहां हम कुछ छोड़ के आए हैं, कहां हमने सेवा पूरी नहीं की, वहीं पहुंचते थे और फिर हमारी ताड़ना होती थी, फिर हमें डांट पड़ती थी। तो सारा कुछ गुरुजी खुद चेक करते थे, बड़े मंदिर का सब उनके सामने उनकी निगरानी में होता था, करते सब सेवादार थे, निगरानी सुपरविजन सब गुरुजी की होती थी। सो गुरुजी ने पूछा पापा से, अच्छा भी मुंडा क्या करता है? तो पापा ने बताया कि उससे पहले एक्चुअली जब मैं बिजनेस करता था तो गुरुजी ने मेरे को कहा था कि भाई बिजनेस बंद करे नौकरी करे, तो मैंने नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, बिजनेस बंद कर दिया था, नौकरी देखना स्टार्ट कर दिया था। एक दो महीने बीत गए फिर ये सब कुछ हुआ। तो फिर गुरुजी ने जब पूछा क्या करता है तो पापा ने बताया कि अभी नौकरी ढूंढ रहा है। तो फिर गुरुजी ने बोला 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी, ऐसे गुरुजी ने बोला। तो हमने कहा ठीक है। अब जो गुरुजी ने बोला, तो जैसा गुरुजी ने बोला 13th डे पे मेरे को जॉब मिल गई, गुरुजी का बोला हुआ था तो होना ही था। सो आई गॉट अ जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, गुरुजी की ब्लेस्ड जॉब थी, बहुत कृपा गुरुजी की। ठीक है, फिर आई बात दूसरी। अब गुरुजी ने बोला था 15 दिन में छोकरी, फिर फंक्शन वाले दिन गुरुजी ने बोला कि मेरे को बोला कि हितेश तू ना हॉल के अंदर ही रहना और मेरे को देखते रहना, तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है, जब वो लड़की मेरे को माथा टेकेगी तो मैं तेरे को आंख मारूंगा, तो तू समझ जाना यही वो लड़की है। गुरुजी क्या बोल रहे हो यार आप, मैं तो मतलब मेरी तो पानी पानी हो गया, मैं तो समझ ही नहीं आया मुझे मैं क्या बोलूं गुरुजी को क्या करूं। सो खैर जिस दिन फंक्शन था, मेरी
मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, मैं बाहर सेवा करता रहा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर हॉल में जाऊं, मेरे पैर ही नहीं चले, मैं जा ही नहीं सका हॉल के अंदर। मैं माफी मांगता रहा गुरु जी से, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं अंदर जाऊं, मैं बाहर ही सेवा करता रहा। तो वो दिन निकल गया। फिर गुरु जी ने दोबारा पकड़ लिया, बोला अच्छा अब बड़े मंदिर जाओ, संगत वाला दिन था, बोला बड़े मंदिर जाओ, लड़की वाले भी वहां आएंगे, मिलके बात करना और फिर आके मुझे बताना। मैंने कहा गुरु जी ने फिर फंसा दिया। तो गए हम लोग वहां पे, मिले, सब कुछ बात बात हुई, उसके बाद गुरु जी के पास आए एम्पायर स्टेट। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, फॉर मल्टीपल रीजंस जो भी था, पर मेरा मन नहीं था अंदर से। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे गुरु जी को ना कैसे बोल दूं, मैं गुरु जी को मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैं कैसे उनको ना बोल दूं, पर मैं हाँ भी नहीं बोल पा रहा था। तो बड़े अनमने से मैंने कहा गुरु जी जैसे आपको ठीक लगे आप देख लीजिए, जो आप करेंगे गुरु जी। तो इतना पता था कि हाँ गुरु जी जो भी कर रहे हैं वो कितना भी गलत दिखे, कितना भी इलॉजिकल लगे, वो होगा सही, वो होगा हमारे भले के लिए, दिखाई ना दे लेकिन होगा जरूर। सो इसलिए मैंने कम से कम इतना बोला कि हाँ गुरु जी आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। गुरु जी जानी जान, उनको सब पता था, बाहर से हाँ बोल रहा हूं अंदर से ना है, तो वो बात आई गई होगी, छोड़ दिया गुरु जी ने वो, मैंने कहा बच गए। उसके बाद फिर गुरु जी ने ऐसे दूसरी लड़की दिखाई, फिर तीसरी लड़की दिखाई, फिर बाद में चौथी लड़की दिखाई। मैं हर बार पसीने हो जाऊं, मेरी हालत खराब हो जाए, हर बार गुरु जी एक नई लड़की दिखाए, मैं कहूं फिर गुरु जी ने फंसा दिया। जब चौथी लड़की दिखाई तब जाके धीरे 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 मेरे को ये समझ में आया कि गुरु जी सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि मैं अपना दिमाग चलाता हूं या सरेंडर करता हूं। अब गुरु जी के दरबार में दिमाग का कोई काम नहीं, वहां पे हमें सरेंडर करना है, दिमाग सिर्फ गुरु जी चलाते हैं और किसी को चलाने की जरूरत नहीं होती। दिमाग जितना चलाते हैं हम उतना हम गुरु जी से दूर होते जाते हैं, गुरु जी की कृपा से दूर होते जाते हैं, पर क्या करें आदत से मजबूर, दिमाग को छोड़ना, अपनी मत छोड़ना कोई आसान तो है नहीं, पता है नहीं करनी, अपनी मत नहीं चलानी चाहिए लेकिन चलाते हैं। सो मैं भी चला रहा था और गुरु जी भी धीरे 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 मुझे सही रास्ते पे ला रहे थे। सो जब चौथी लड़की गुरु जी ने दिखाई तब मुझे जाके समझ में आ गया कि ये सिर्फ गुरु जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं और कुछ नहीं है, घुमा रहे हैं गुरु जी मेरे को। चौथी लड़की पे मैंने बोला, गुरु जी ने कहा आपस में बात करके बताना, मैंने कहा गुरु जी कोई बात करने की जरूरत नहीं, आप जहां कराओगे मैं करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे को बात करके क्या पता चल जाएगा, जब आपने देख लिया सब कुछ या आप देखोगे सब कुछ, मेरे को बात करके क्या पता चलना है, जो आप करोगे वो ठीक। फिर गुरु जी ने कहा चल अब आ गया ये सही रास्ते पे, वो बात भी आई गई हो गई। उसके बाद फिर 14 मई 2007 टोला छोड़ने से 17 दिन पहले गुरु जी बड़े मंदिर आए थे, मंडे का दिन था, उस दिन गुरु जी स्पेशली बड़े मंदिर आए, मेरे ऊपर कृपा करने गुरु जी आए थे बड़े मंदिर, मेरे फादर को और मेरे फादर इन लॉ को दोनों को बुलाया, उनको अपने आगे बिठाया, इंट्रोडक्शन की, उनसे बहुत बात की और फिर इंट्रोडक्शन की उनकी, फिर उनको बोला तेरा बेटा ते तेरी कुड़ी आपस विच व्याह करा लो। तो ये गुरु जी की ऐसे ऐसे बड़े मंदिर के अंदर गुरु जी की हजूरी में ऐसे मेरी शादी फिक्स हुई। अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि मेरे जैसे पे उन्होंने इतनी कृपा की, इतना टाइम निकाला और मेरे लिए मेरे ऊपर कृपा बसाई। ये तो गुरु जी की जितनी संगत है, जितने गुरु जी के फॉलोअर्स हैं धरती पे और धरती के बाहर भी, उनमें मेरे जैसे के लिए टाइम निकालना, मेरे जैसे के लिए स्पेशली आना, मेरे लिए तो वो बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है जो मैं डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता था, पर हाँ मेरे को उसकी जरूरत थी। सो गुरु जी ने वो कृपा मेरे ऊपर बरसाई, ऐसे मेरी शादी फिक्स हुई। फिर गुरु जी ये भी बोल के गए कि जुलाई के महीने में शादी होनी है। मैंने कहा ठीक है, दोनों तरफ से 25-27 संगत आएगी, लोग आएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आप बोलो। और उसके 17 दिन उसके बाद जो संडे आया, उस संडे पे हम दोनों फैमिलीज को गुरु जी ने बुलाया, गुरु जी ने लड्डू बांटे। उसके बाद गुरु जी ने बोला मैंने इनकी शादी कर दी है, मैंने इनके शादी के लड्डू भी बांट दिए हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज आपस में करते रहे। सो बड़ी कृपा हमारी, ऐसे हमारी शादी हुई। उसके बाद अब 17 दिन बाद बस गुरु जी ने फिर चोला छोड़ दिया। तो इतनी जल्दी मन तो बिल्कुल नहीं था, पर गुरु जी का हुक्म था कि जुलाई में शादी करनी है, सो हमने जुलाई में फिर शादी की।
जैसे गुरुजी ने बताया वैसे ही हुआ, 25-27 लोग आए थे दोनों साइड से और गुरुजी की कृपा से शादी। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के लिए भी गुरुजी का मैसेज आया एक संगत के थ्रू, सो हमने कहा ठीक है। तब तक इतना समझ में आ गया था, अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो गुरुजी बोले करते जाओ। हमने कहा ठीक है, जो गुरुजी बोल रहे हैं बोल रहे हैं, गुरुजी खुद बता रहे हैं, महाशिव खुद मुझे बता रहे हैं, और क्या चाहिए उससे ज्यादा मुझे, और मुझे उससे ज्यादा क्या मैं मांग सकता हूँ। मेरे बिना मांगे, मेरे बिना पूछे, खुद आगे से मैसेज भिजवा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, कृपा गुरु जी की। ठीक है, जैसे गुरु जी ने बोला था मई जून में ही मेरी वाइफ ने कंसीव किया, और उसके बाद हमें फिर मैसेजेस आने लग गए। एक संगत का फोन आया, भाई अच्छा जी गुरु जी ने दिखाया है कि आपको बेटा होगा। मैंने कहा ठीक है जी, बेटा बेटी सब बराबर, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग होनी चाहिए, बेटा हो बेटी हो क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरी संगत का आगे बेटा होगा, तीसरी संगत बेटा होगा, चौथी संगत बेटा होगा, बहुत संगत से हमें ऐसे मैसेजेस आए कि हमें दर्शन हुए हैं, गुरु जी ने ड्रीम दिखाया कि बेटा हो रहा है, बेटा हो रहा है, बेटा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब डिलीवरी हुई तो बेटी हुई। हम हैरान, सबसे पहले मेरे को ही बताया, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया, बाकी हमारे लिए सब बराबर है, बेटा हो बेटी हो, बेटी कैसे हो गई, गुरु जी ने जब बोला बेटी कैसे हो गई, होना तो बेटा था, बेटी हो ही नहीं सकती थी, ये कैसे हो गया। मेरे को तो उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं था, मैंने कहा भाई तू ठीक से देख ले डॉक्टर साहब, मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर को बोल रहा था, मैम आप दोबारा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कैसे हो सकता है, हमारे गुरु जी ने बोला बेटा होगा तो बेटा ही होगा, मतलब बेटी है। ठीक है, उसके कुछ देर बाद एक संगत आंटी का फोन आया, वो पूछती है, मेरी मदर इन लॉ को फोन आया था, पूछती है भाई निधि दीदी को बेटी हुई है। मैं कहा हाँ भाई, हमने तो अभी देखा भी नहीं है, अभी तो हमारे पास आई नहीं है, वो तेको किसने बता दिया। तो वो कहती है मेरे को कल रात गुरुजी ने ड्रीम दिखाया। गुरुजी दिखाते हैं कि कहते हैं आ मैं तेरे को दिखाता हूं क्या हो रहा है। देख, उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्टर जैसा स्क्रीन उनके सामने आ गया, स्क्रीन पे उन्होंने दिखाया कि ये देखिए तेज निधि, फिर दिखाया कि उनका उनको बेटा हुआ है, फिर वो बेटा बड़ा हो रहा है, वो बेटा जवान हो गया है, टीन एज का हो गया है, 16 साल का हो गया है, उसके लंबे बाल हैं, बिगड़ा हुआ, जिद्दी, निकम्मा, नालायक, ये सब उस आंटी को दिखाया गुरुजी ने कि ये देख, ये इनका फ्यूचर है, ये इनके साथ होने वाला था। कहते हैं मैं इनके बेटे, इनका जो बेटा है उसको बेटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, नहीं तो ये इनकी लाइफ बर्बाद कर देगा। तो देखो हमारे लाइफ में 15-16 साल बाद क्या प्रॉब्लम आनी थी, वो चीज गुरुजी ने कब देख ली और वहीं से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। हम क्या मांग सकते हैं गुरुजी से, हमारे बिना मांगे, हमारे बिना जाने, हमें पता भी नहीं चलता, पता होगा तो मांगेंगे ना, गुरुजी से पता भी नहीं होता क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो गुरुजी पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। सब गुरुजी की कृपा, सब मतलब अनंतम शुक्राना है, गुरुजी का इतनी कृपा है गुरुजी की सबके ऊपर, आई एम श्योर सारी संगत आई एम श्योर रियलाइज करती है, सबके ऊपर गुरुजी कृपा बरसाते हैं। सो ऐसे गुरुजी ने हमें बेटी ब्लेस करके दी। फिर मैं बताता हूं, हाँ फिर एक बार एक बार पापा बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते उनको वहीं पे पैरालिटिक अटैक आ गया। जब उनको अटैक आया तो उनका एक पैर, एक टांग चलना बंद हो गई। अब ये भी देखो गुरुजी की प्लानिंग के, जो अटैक हुआ वो हॉस्पिटल इधर हुआ, मंदिर में हुआ, इतने सेवादार थे, इतनी संगति, फटाफट उनको बिठाया, गाड़ी में बिठाया, एकदम हॉस्पिटल लेके गए। घर में होते तो मम्मी पापा अकेले, मैं नोएडा में रहता था अपनी जॉब की वजह से, मेरा भाई एंड्रूसगंज में रहता है, तो सब लोग दूर दूर रहते थे, तो कौन कब पहुंचता, कैसे हॉस्पिटल पहुंचते, मम्मी मेरी परेशान हो जाती, चिंता करती। हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं करना पड़ा, सब संगत ने पूरा चार्ज लिया, संगत ने सारा कुछ किया, हमें तो बस साथ साथ जा रहे थे, सारा कुछ उन्होंने किया भाई, हाँ फटाफट बिठा के कि बिल्कुल डीले ना हो, जल्दी से जल्दी उनको फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचे, मैं भी नोएडा में था, मेरे को फोन आ गया कि ऐसे से है भाई, हॉस्पिटल पहुंचो, यहाँ पे है। तो हम अपने घर से निकले, सब अपने अपने घरों से भागे। अभी मैं रस्ते में पहुंचा हूं, अभी मैं डीएनडी क्रॉस कर रहा था, तो दोबारा फोन आ गया मेरे भाई का, तो बहुत डर लग रहा था उस वक्त, तो भाई फोन भी बजता था तो डर लगता था, पता नहीं क्या सुनने को मिल सकता है, बहुत डर लग रहा था। सो पूछा मैंने, पापा ठीक है? कहते हाँ हाँ, एडमिटेड है? हाँ जी, इमरजेंसी में एडमिटेड है। ठीक है जी, स्टेबल है? इनका अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी शांति पड़ी। इनका कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि पैलेटिक अटैक में फिर बोलना मुश्किल होता है,
मुंह नहीं चलता, कुछ बोल पा रहे हैं? डिड ही से समथिंग? कहते हैं बोल पा रहे हैं। कहते हैं वो बैठ के सत्संग कर रहे हैं साथ वाले पेशेंट्स के साथ, मतलब जो खुद पैरालिसिस के लिए इमरजेंसी में एडमिटेड हो वो पेशेंट दूसरे पेशेंट्स के साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं। और जब डॉक्टर आया वो इधर उधर देख रहे, भाई हाँ भाई अटेंडेंट्स तो सारे बैठे, पेशेंट कहाँ है? बोले भाई यही पेशेंट है, इन्हीं को पैरालिसिस अटैक आया है। तो ऐसी गुरु जी की कृपा कि मंदिर से लेकर हॉस्पिटल तक ही उनकी कितनी उन्होंने रिकवरी कर दी, कितना उनको ठीक कर दिया कि बिल्कुल हमें जरा सी भी चिंता ना हो, जरा सी भी परेशानी ना हो, ना उनको चिंता हो, क्योंकि गुरु जी की तो कृपा अपरंपार है। सो ऐसे तो गुरु जी कृपा बरसाते हैं। सो उसके बाद डॉक्टर ने जब उनको चेक वगैरह किया, सब कुछ किया, कहते भाई आप 75 प्लस हो और आपकी जो कंडीशन है बेस्ड ऑन दैट आपको मेरे ख्याल 6 महीने बोला था उसने, 6 महीने आपको फिजियोथेरेपी वगैरह लेनी पड़ेगी, दवाइयां लेनी पड़ेंगी, तब जाके आप इतने इंडिपेंडेंट बन पाओगे कि आप अपना काम खुद कर सकोगे, वॉशरूम जा पाओगे, सब कुछ आप एटलीस्ट घर में इंडिपेंडेंटली अपना कर पाओगे। ये थी मेडिकल साइंस। एक हफ्ते के अंदर गुरुजी ने पापा को ऐसा ठीक किया कि वो दौड़ भाग रहे थे, फिर अपने सत्संग में जा रहे थे, दिन के दो दो तीन तीन सत्संग अकेले जा जाके अटेंड कर रहे थे। एक हफ्ते के अंदर ये रिकवरी हुई एट द एज ऑफ 75, जब डॉक्टर्स ने 6 महीने बोले थे। तो मेडिकल साइंस जहां खत्म होती है गुरुजी तो उसके आगे शुरू होते। तो गुरुजी की तो क्या कृपा बताएं, इतनी कृपा है, हर हर चीज में इतनी कृपा है, उनकी तो कृपा ही कृपा है। फिर मेरी जॉब गुरुजी ने उसके बाद फिर ब्लेस की, नोएडा में मेरी जॉब ब्लेस की, मेरे को वहां पे गुरुजी ने सेटल किया। फिर हाँ बैंगलोर का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, बीच का मैं स्किप कर गया। तो उसके बाद 2008 में मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला, तो मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि मंदिर से बहुत अटैच थे, गुरुजी भी शरीर छोड़ चुके थे, तो उस वक्त मंदिर से सत्संगत से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा जो भी है गुरुजी मेरे को यहीं पे दे दो, कोई भी नौकरी दे दो दिल्ली में, अपने से दूर मत करो, मेरे को यहीं रखो अपने पास। पर गुरुजी का अपना ही तरीका है, जब उन्हें कुछ करवाना होता है गुरुजी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, एक दरवाजा खोल देते हैं, कहते बेटा तू सर मारता रहे बाकी दरवाजों पे जितनी देर, जब थक जाएगा तो तू खुद ही इस दरवाजे से गुजरेगा, जाना तो तुझे यहीं से पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे दरवाजे लॉक है। सो बहुत रिलक्टेंस के साथ हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हुए, बिल्कुल मन नहीं था कि बैंगलोर जाए वहां शिफ्ट हुए। निका ठीक है, पर जब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो जाना ही पड़ा। ठीक है, वहां पे गुरु जी ने धीरे धीरे हमें सेटल किया, बहुत अच्छा लगा बैंगलोर में, ये 2008 का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा वहां पे, सब कुछ बढ़िया था। फिर बस वहां पे एक प्रॉब्लम हमें लगती थी, भाई वहां पे गुरुजी के सत्संग नहीं होते थे कभी, बहुत बढ़िया है, मौसम इतना अच्छा, लोग इतने अच्छे, जॉब अच्छी, बस गुरुजी आपके सत्संग नहीं होते, ये तो बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग, वहां तो मंदिर में तो क्या सेवा होती थी, क्या सत्संग मिलते थे, यहाँ तो कुछ नहीं है। 1.5 साल हमने इस बात को ऐसे टाइम हमने वेस्ट कर दिया इसी इंतजार में कि हाँ पता नहीं शायद गुरुजी कुछ करेंगे, गुरुजी कुछ करेंगे, गुरुजी कुछ करेंगे। फाइनली हमने एक बार सोचा कि चलो अपने घर में ही सत्संग रखते हैं, मम्मी और सिस्टर घर से आई हुई थी दिल्ली से, तो हमने कहा चलो एक सत्संग रख लेते हैं, आपस में जितने हैं हम लोग ही बैठ जाएंगे। पापा नहीं आए, वो भी सब गुरुजी की प्लानिंग, वो बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो शिव मूर्ति को ब्रासो कर रहे थे वो, तो उस वक्त उन्होंने किसी को ऐसे बताया, किसी की संगत के साथ वो बात कर रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ बैंगलोर में मेरे बेटे के यहाँ कल सत्संग हो रहा है। दीपक गुप्ता अंकल उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, बस वो गुजर रहे थे, वो टाइमिंग ऐसी गुरुजी की होती है, उसी सेकंड वो वहीं से गुजरे कि उनके कान में ये आवाज पड़ी। उनके जो रिलेटिव हैं वो गुरुजी को मानने वाले थे, वो बैंगलोर में रहते थे, उन्होंने जैसे ही सुना उनके कान खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई मुझे बताओ कहाँ पे हो रहा है बैंगलोर में सत्संग। नंबर वगैरह उन्होंने ले लिया, उन्होंने उनको दे दिया, हमें उनका नंबर दे दिया, नंबर्स एक्सचेंज हो गए, बात बात हो गई, हमने उनको सत्संग से बुला लिया, रहते भी हमारे घर के नजदीक से। सो ऐसे करके हमें एक संगत का पता चल गया कि चलो, हमने कहा चलो हम अकेले नहीं है, एक संगत तो है बैंगलोर में। उस वक्त ये सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह बहुत कम होते थे, तो कुछ कुछ पता नहीं होता, हमें किसी संगत के बारे में नहीं पता था। एक बार मैं रास्ता कहीं भटक गया था, गलत रास्ते पे निकल गया था, आधी रात का समय 8:30-9 बजे थे, अंधेरा था, बारिश पड़ रही थी, ट्रैफिक सिग्नल पे मैं कुड़ कुड़ कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि गुरुजी कहाँ फंसा दिया, कहाँ से कहाँ मुझे को पहुंचा दिया, जीपीएस भी नहीं था मेरे पास उस वक्त, कहाँ फंसा दिया गुरुजी ने आपने मेरे को यार, अच्छा खासा घर जा रहा था। तो इतने में शीशे पे नॉक हुआ, एक आंटी बोली आप गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ।
कहते आप आर के पुरम में रहते थे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई बैंगलोर में मुझे गिनती के मेरे ऑफिस के बाहर के 3 लोग नहीं जानते, और इन द मिडल ऑफ नोवेयर मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे को बारिश हो रही है, और मेरे को किसी ने पहचान भी लिया और ये भी पहचान लिया कि हम कहाँ रहते हैं और गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी को मानते हैं दिल्ली में। उनका कमाल है गुरु जी का, तो पहचान भी लिया उन्होंने। तो वो माला आंटी थी, वो भी ऑब्वियसली गुरु जी को मानती थी, और आर के पुरम में हमारी पड़ोसन भी थी वो, और गुरु जी को भी मानती थी। तो ऐसे करके हमें उनके बारे में पता चल गया। तो कैसे गुरु जी डॉट्स कनेक्ट करते गए, उनको पता था भाई हाँ ये इनको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारे इंतजाम गुरु जी करते गए। सब गुरु जी की प्लानिंग होती है, सब गुरु जी की मूवमेंट होती है, हम तो पपेट्स हैं, उठा के गुरु जी यहाँ से यहाँ ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे पीछे करते रहते हैं, जैसे गुरु जी करते हैं हम नाचते रहते हैं। करना सब गुरु जी नहीं है, वो सब उनके हिसाब से होता है। सो ऐसे करके एक एक करके हमें संगत के बारे में पता चलने लगा। तो इस तरह बैंगलोर में सत्संग शुरू होने लग गए, वहां पे रेगुलर हर हफ्ते हर सैटरडे वहां पे सत्संग स्टार्ट हो गए। और आज मतलब अब तो खैर हम वापस आ चुके हैं, दिल्ली आ चुके हैं, नोएडा आ चुका हूं मैं, तो अब पता चलता है वहां पे कि हजारों की वहां पे संगत हो गई है, हजारों में वहां पे संगत है। सो इतनी हैरानी होती है कि एक टाइम पे हमें संगत का पता नहीं था, एक संगत के बारे में पता नहीं था, पता चलते थे तो एक्साइट होते थे, अच्छा और भी एक संगत है बैंगलोर में। आज वहां पे हजारों की संगत हो गई है, हर हफ्ते सत्संग होता है वहां पे, हर रोज दिन में पता नहीं कितने हर एरिया में सत्संग होते हैं। तो सब गुरु जी की कृपा है, उन्होंने शायद देखा कि हाँ बैंगलोर में भी संगत है और संगत जुड़ने वाली है, उनको सत्संग की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए वहां पे सत्संग स्टार्ट करने जो भी है। और बड़ी कृपा के गुरु जी ने उनके लिए हमें चुना कि अच्छा भाई इनके थ्रू कराने करने वाले तो गुरु जी ही है, खैर हम क्या करेंगे, पर करवाया हमारे थ्रू, बहुत कृपा उनकी कि इस लायक समझा के सेवा दी मुझे, जो मैं सेवा उनसे मांगता था, जो मैं कहता था कि गुरु जी मेरे को कब सेवा मिलेगी, मुझे कब सेवा मिलेगी, तो वो ऐसी उन्होंने सेवा देनी शुरू की, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे सेवाएं दी हैं गुरु जी ने एक के बाद एक के, बस आज तक बस उनकी सेवा में ही है, उनके चरणों में ही है, जो जितनी सेवा गुरु जी करा लेते हैं कर लेते हैं। ऐसे करके वहां सत्संग शुरू हो गए। अच्छा बैंगलोर जब हम, सॉरी मैं थोड़े आगे पीछे कभी जो याद आते हैं वो सुना देता हूँ, तो ऑर्डर में नहीं सुना पा रहा, आई एम सो सॉरी। तो बैंगलोर अभी हम जस्ट शिफ्ट हुए थे, एक ही महीना हुआ था, तो नई नई जॉब थी, तो इतनी जल्दी छुट्टी मिलना और वापस फिर दिल्ली आना बड़ा मुश्किल था, और 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे था, तो वो पहला बर्थडे था गुरु जी का जो हम गुरु जी के बिना मना रहे थे। तो बहुत दुख हो रहा था कि गुरु जी पहली बार आपका फंक्शन है, मतलब दिल्ली में होते हैं तो क्या तो नजारे होते हैं, पूरा पूरा दिन सेवा होती है, कई दिनों से पहले से सेवा शुरू हो जाती है, और हम बैंगलोर में बैठे हैं सूखा सूखा, इट्स अ रूटीन डे लाइक एनी अदर डे। बड़ा दुख हो रहा था, ये कैसा मतलब ये कैसा बर्थडे है गुरु जी का, बहुत मिस कर रहे थे गुरु जी को। सो हमने कहा चलो आपस में ही बैठ जाते हैं, तो मेरी आंटी ने लंगर बनाया, सुबह सुबह ऑफिस जाना था तो उससे पहले वो 4 बजे को छूट गई और उन्होंने सारा लंगर बना लिया। लंगर बना के बहुत सुबह जल्दी उठे थे, थोड़ा थक गए, तो मेरी आंटी थोड़ी देर लेटी, उनको आंख लग गई, जैसे ही उनकी आंख लगी उनको दर्शन दिए गुरु जी ने, उन्होंने देखा कि वो घर में बैठी है, घंटी बजी है, घर की बेल बजी, उन्होंने दरवाजा खोला तो गुरु जी खड़े थे बाहर, गुरु जी अंदर आए, गुरु जी ने आके आके क्या किया, गुरु जी कहते चल मेरे को लंगर खिला, मेरी आंटी को बोला अच्छा गुरु जी बैठिए। तो गुरु जी ने अपने जेब में से रुमाल निकाला, जमीन पे रखा उसको और उसके ऊपर बैठ गए। तो उन्होंने बोला गुरु जी ऊपर बैठिए, बोलते नहीं कमली हो गई है, लंगर हमेशा नीचे बैठ के किया जाता है। ये गुरु जी के बोले हुए शब्द है, जो उन्होंने दर्शन दिया, जो उन्होंने हमें बताया, मैंने सोचा शेयर कर दूं, शायद किसी को कुछ उससे फायदा हो। सुनिए गुरु जी ने बोला, गुरु जी बैठे, उन्होंने पूरा लंगर किया, सारा कुछ किया, एक एक चीज मांग मांग के ली, बोला बहुत सोना लंगर बनाया है, बहुत तारीफ की गुरु जी ने, और फिर वो चले गए। तो देखो हम गुरु जी को मिस कर रहे थे कि गुरु जी हम आपके पास नहीं आ पा रहे, तो गुरु जी हमारे पास बैंगलोर में आ गए, वो आके उन्होंने हमें दर्शन दिया, हमें ब्लेस करके गए, ऐसे तो गुरु जी की कृपा है। उसके बाद एक बार हमारा हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना था, तो वहां पे जब हम हरिद्वार ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में थे, किसी ने हमसे बोला था हमारे लिए गंगा जल ले आओ, हमने कहा ठीक है। तो मैं गंगा जल जब भर रहा था उनके लिए, तो देखा मैंने पानी थोड़ा मडी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ, आगे थोड़ा साफ पानी है तो वहां से भरूंगा तो साफ आ जाएगा पानी। तो मैं जैसे ही मैंने एक स्टेप आगे लिया, वो जमीन वहां पे अनइवन थी, तो मैं एकदम से नीचे चला गया,
पहले ही पानी काफी ऊपर तक था, छाती तक था मेरे, और जैसे ही एक कदम आगे लिया तो बिल्कुल सर के ऊपर चला गया। मैं एकदम डूबने लगा, स्विमिंग मेरे को आती नहीं, ना आसपास मेरे कोई नहीं था, और हाथ पांव मार रहा था, सबको दिख रहा था कि मैं डूब रहा हूं, हाथ पैर मार रहा हूं, कोई मेरे पास नहीं आ पा रहा था, कोई मुझे बचाने नहीं आ पा रहा था। वो गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, सबीना आंटी को गुरुजी ने कहा था कि जब अंतिम समय आता है कोई तुम्हारे काम नहीं आता, सिर्फ गुरुजी काम आते हैं। मेरा अंतिम समय था, कोई मेरे काम नहीं आ पा रहा था, आसपास सब थे पर मेरे काम कोई नहीं आ पा रहा था, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। बस डूबते डूबते मैं डूब ही गया था ऑलमोस्ट, बस इतना मेरे मन में आवाज आई, गुरुजी बचा लो, बस इतना आया, तीन शब्द। उसी वक्त मेरे को पैरों के नीचे कुछ फील हुआ और उसका सहारा लेते 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 मैं बाहर आ गया। मतलब आप गुरुजी को याद करो और कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है आपकी लाइफ में, उसी वक्त दिल से जब आप याद करोगे, गुरुजी बिल्कुल हाजिर होते हैं और हमारी हर तकलीफ दूर करते हैं। हमेशा हमेशा हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हर पल हर दिन, मतलब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, इतनी कृपा है गुरु जी की, मैं क्या क्या बताऊं। आई थिंक आज के लिए मैं यही कंक्लूड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष अंकल, और सारी संगत का भी, विक्रम अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मंदिर मैनेजमेंट का जो मेरे को मौका दिया सत्संग सुनाने का, सारी संगत को जिन्होंने पेशेंटली मेरा सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।